नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल। इस चैनल पर फिल्म लाइन में काम करने की जानकारी दी जाती है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल और मैं आज आपसे जो सवाल आपका आता रहता है कि एक्टर बनना कितना आसान है या नहीं है, मेरे साथ आज ऐसे शख्स हैं जिन्हें आप देखेंगे पहचान जाएंगे। इनसे बात करूँगा कि एक्टिंग करना फिल्म लाइन में कितना आसान है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं अली खान और आपने मुझे बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, जैसे कि खुदा गवाह, सरफरोश, कोहराम, माँ तुझे सलाम, 100 से 125 फिल्मों में एज ए विलन मैंने काम किया। जैसे कि आपका सवाल है यूट्यूब वगैरह में काम करने का मतलब ये है कि आप अपने शौक को पूरा कर रहे हैं, आप उससे एज ए प्रोफेशनली एज ए जो आपकी चाहत है वो चाहत पूरी नहीं होगी। आप सिर्फ उसमें अपनी एक्टिंग की परफॉर्मेंस कर सकते हैं और वो यूट्यूब पे काम करके उसके लिंक को प्रोड्यूसर के पास भेज सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, उस लिंक को देखने के बाद प्रोड्यूसर को लगता है कि भाई इस लड़के को बुलाया जाए, लेकिन उसके लिए एक्टिंग क्लासेस हैं और आपको खुद संघर्ष करना है। इस मुंबई शहर में बगैर संघर्ष किए हुए कुछ काम नहीं मिलता है और बहुत हमने भी चने चबाए हैं। 10 साल स्ट्रगल किया तब जाके खुदा गवाह जैसी बड़ी फिल्म मिली, सरफरोश जैसी फिल्म मिली। तो काम करने के लिए बड़े पर्दे का जो माध्यम है बहुत लॉन्ग लाइफ है, बहुत आगे तक आपको जिंदा रखता है। टेलीविज़न में भी ठीक है, काम करते हैं, अच्छी बात है, पैसे मिलते हैं, नाम मिलते हैं, शोहरत मिलते हैं, लेकिन फिल्म फिल्म है, टेलीविज़न टेलीविज़न है, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। वैसे यूट्यूब का मामला है, यूट्यूब आए गए चलेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। और अगर अपने दोस्त हैं और फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।